जैन दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आज आपको बताने जा रहा हूं रनिंग करने से पहले वार्म अप करने की कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। अगर आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो रनिंग के दौरान आपको किसी भी साइड से घुटनों में दर्द होना, लेग दर्द होना, टखनों में दर्द होना या नसका खिंच जाना कुछ भी नहीं होगा और आपकी रनिंग बहुत इजीली तरीके से इम्प्रूव कर जाएगी। रनिंग से पहले आपको किसी भी ग्राउंड में जहां आप रनिंग करने जाते हैं पहले एक राउंड पूरा पैदल चलना है, हाथ लंबे करते हुए और स्पीड में वॉकिंग करनी है आपको। जब आप एक राउंड पूरा वॉकिंग कर लेते हैं तो आपको वहां से दूसरा राउंड बैक में चलना है इस तरीके से, और आप पूरा राउंड बैक में ही चलेंगे। इससे आपके जो पंजे हैं जिसमें एड़ी आपकी नहीं लगेगी, सिर्फ पंजा लगेगा, इससे आपकी लेग वार्म अप हो जाएंगे और टखनों में दर्द आने वाली समस्या नहीं होगी। आप करते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से आपको एक पैर पर सिंगल जंप लेना है। और ये जंप लगभग आपको 100 मीटर तक लेना है। नेक्स्ट पीछे का जंप इसी तरीके से लेना है। और ये भी आपको 100 मीटर तक जंप लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से जब आगे को आप जंप ले रहे हैं और पीछे को जंप ले रहे हैं तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके पंजे पर आना चाहिए, जिससे आपका पूरा स्ट्रेच पैरों का निकल जाएगा और पैर रनिंग के लिए तैयार होंगे। इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट इस तरीके से। लगभग आपको इस तरीके से 100 मीटर चलना है। नेक्स्ट। साइड चेंज। ये लगभग आपको 20 मीटर लेफ्ट साइड, 20 मीटर राइट साइड, दोनों साइड करना है। नेक्स्ट। लगभग 50 मीटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट पीछे तरफ। इसके बाद आपको जंप करते हुए जमीन को टच करना है दोनों हाथों से इस तरह। इससे आपके कमर में जो कहीं पर भी तनाव आना था, नसें खिंचनी थी, वो आपकी नसें नहीं खिंचेंगी और आपका कमर हाथ रनिंग के लिए लगभग तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट। पैरों को बराबर खोलें जिससे बॉडी वेट आपका बैलेंस हो। इस तरीके से आपको जब आप एक साइड को झुकते हैं तो एक हाथ ऊपर जाएगा, ना कि कंटिन्यू आप दोनों हाथ ऊपर रखें। इस तरीके से आपके बाजू से खिंचाव पूरा निकल जाएगा और आपका ये कमर का दर्द नहीं होगा रनिंग के दौरान। नेक्स्ट। अब आपको दोनों पैर प्रॉपर खोल लेना है और ये खम्भ बनाना है। ध्यान देना है यहाँ मेरा, देखिए ना एड़ी उठा हुआ है ना पंजा उठा हुआ है और ये पैर बिल्कुल सीधा है। पूरा बॉडी वेट आपको इस पर देना है। नेक्स्ट। सेम इसी तरीके से आपको इस साइड बॉडी वेट देना है। दाहिना हाथ ऊपर करें और बायां पैर उसमें टच कराना है। सेम
बायां हाथ ऊपर करें और दाहिना पैर टच कराएं। इसके बाद आपको खड़े होकर के हल्का सा पैरों को इस तरीके से मूवमेंट देना है। लगभग 3 बार ये मूवमेंट देना है और 3 बार ही हाथ ऊपर करके पैर टच कराना है, लेफ्ट भी और राइट भी। इस तरीके से अगर आप वार्म अप एक्सरसाइज हमारी फॉलो करते हैं तो रनिंग करते दौरान आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक कामयाब रनर बन जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ वार्म अप एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।